तो मैं आपको उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मैं ये बताऊंगी कि चिल्ड्रंस को बहुत पसंद आएगी। चलिए बिना देरी ये शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो हमें लेने हैं बिस्किट, जिसको हाथों से हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में चूरा कर लेना है इसका, और बाद में हमें मिक्सी में चूरा कर लेना है। और हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम, जो कि है दो कलर की, एक वाइट और एक ग्रीन। और हमें चाहिए कुछ कपकेक के मोल्ड्स, और चाहिए स्पार्कल्स, जैसे कि स्टार वाले हैं, कलरफुल स्पार्कल्स, और सिल्वर बॉल्स है, और ये गोल्डन स्पार्कल्स है। और मेन इंग्रेडिएंट है जो कि है कॉर्न। सबसे पहले हम इस बिस्किट को क्रश करके आते हैं। तो गाइस, अभी हमने इसे चूरा कर लिया है इसका परफेक्ट मिक्सी में, और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो अभी जब तक मिल्क लाएगा, तो गाइस मैं एक चिट्ठी बनाऊंगा और मिल्क हार गई, मिल्क हार ही हो। और गाइस मिल्क आ गया है, तो दीदी अब आप इसे ऐड कर दीजिए। हाँ, तो मैं अब इसमें मिल्क ऐड करूंगी। हमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालना है इसमें। तो गाइस, हमें इतने में 1 कप मिल्क लगा है, और हम कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे स्पून करें कोई, तो ये पूरा साथ में गिरेगा, यानी कि पूरा मतलब कि पूरी लाइन नहीं होगी उसकी, ऐसे ऐसे गिरेगा वो। गाइस, हम कपकेक के जो मोल्ड है उनको पहले ग्रीस करेंगे, तो जतन हमें ग्रीस करके देना। तो हम लोग घी से ग्रीस कर रहे हैं इसको अच्छे से। दीदी ये लो, ये दोनों मोल्ड ग्रीस हो गए। अभी हमें इसको भरना है, पर पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा स्पेस रखें, क्योंकि ये जब हम लोग ओवन या फिर माइक्रोवेव में जब इसको सेट होने के लिए रखेंगे तो ये फुल हो जाएगा, वो फूलेगा, इसलिए तो हम इसको पूरा नहीं भरेंगे। तो गाइस, हमने इसको फुल ऐसे थोड़ी सी स्पेस रख के भर लिया है, ऐसे हमें भरना है, फिर ऐसे टैप टैप करना है, ताकि जो कि एयर हो वो अंदर नहीं रहेगी। गाइस, अब हम इसको ओवन में रखेंगे, प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर सेट होने के लिए रखेंगे। तो हमें इसको 180 डिग्री पर रख दिया है। तो गाइस, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। जो वाइट क्रीम थी वो हमने इसमें भर दी है, और अब उससे हम ये राउंड करेंगे पूरा। अभी हमें इसमें पहले जो कोन का जो नीचे का है उसमें हम इसको ऐसे करके राउंड करके ऐसे कर देंगे, और फिर थोड़े थोड़े तक ऐसे ही करेंगे। हमें इसको ऐसे राउंड करके ऐसे कर देना है, दूसरे में ऐसे राउंड करके ऐसे वापस ऐसे राउंड, ऐसे पूरे कोन को हमें कवर कर देना है। हमें ऐसे करते ही रहना, थोड़ी सी जगह नीचे बचानी है, क्योंकि हमारा पकड़ नहीं पाएंगे वरना। सो गाइस, हमारा क्रिसमस ट्री रेडी है।
कर लिए हैं तो और हम करेंगे डेकोरेट। तो हम स्टार्स लगाएंगे और स्पार्कल्स लगाएंगे सारे। तैयार है हमारा क्रिसमस कपकेक ट्रीट, क्रिसमस डे स्पेशल रेसिपी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।